नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। साथियों, इस वक्त की बड़ी बुरी खबर निकल कर आ रही है। जी हां साथियों, आपको बता दें कि अभी अभी 2 मिनट पहले खबर निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में आज सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार यह दुर्घटना अनियंत्रित बोलेरो के खड़ी ट्रक में घुसने के कारण हुई। बोलेरो में 11 लोग सवार थे जो एक बारात में शामिल होकर घर लौट रहे थे। घटना सुबह 3 बजे की है। जोगिया कोतवाल में NH 28 पर काले नामक नाम के ढाबे के पास बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे ट्रक में जा घुसी। तेज रफ्तार होने के कारण ट्रक और बोलेरो के परखच छोड़ गए। घटना स्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सभी को बाहर निकाला और नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया। 4 लोगों को अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि 4 अन्य की कुछ देर बाद मौत हो गई। बाकी 3 का इलाज जारी है, जिनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। 1 घायल को जिला अस्पताल से प्राइवेट में शिफ्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद सिद्धार्थनगर क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने दुर्घटना में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराए जाने के निर्देश दिए हैं। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, RIS न्यूज़।